कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे उन 5 कॉकटेल्स का नाम जो आप आराम से बिहाफ ऑफ योर गर्लफ्रेंड ऑर्डर कर सकते हैं, स्पेशली वैलेंटाइंस डे में। जी हाँ, वो जो 5 कॉकटेल मैं चुन के लाया वो स्पेशली पिंक कलर का होता है और हर एक कॉकटेल में कुछ अलग अलग ट्विस्ट है, अलग अलग टेस्ट प्रोफाइल है और अलग अलग टेक्सचर भी है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये जो कॉकटेल लिस्ट है इसमें मैक्सिमम जो कॉकटेल है वो क्लासिक कॉकटेल है। अब ये क्लासिक कॉकटेल आप जब भी कोई भी बार में जाके ऑर्डर करते हो तो बारटेंडर बड़ी आराम से समझ जाता है कि आप चाहते क्या हो, कैसा रेसिपी आप चाहते हो, कैसा टेस्ट प्रोफाइल, कैसा फ्लेवर प्रोफाइल आप चाहते हो। इसमें आपको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है, आपको समझाना नहीं पड़ता है। आप कल जाके बोल दोगे कॉकटेल का नाम तो तुरंत बारटेंडर समझ जाएगा कि आप चाहते क्या हो। अक्सर होता है ना कि आप शायद कहीं एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किए थे एक कॉकटेल के साथ, या आप एक यूट्यूब चैनल में एक वीडियो में देखा था कि एक कॉकटेल था बहुत शानदार, आपने रेसिपी तो याद कर लिया। अब जब बारटेंडर को बोलते हैं कि मुझे वो बना के दिखाओ तो बारटेंडर शायद बना देगा, मगर वो जो ढूंढ रहे थे या आपका जो पिछला एक्सपीरियंस था उस कॉकटेल के साथ बेस्ट था, मगर इस बार शायद वो टेस्ट प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। मगर क्लासिक कॉकटेल के साथ हमेशा सेम रहता है, उसमें कभी ज़्यादा ट्विस्ट नहीं रहता, डिफरेंस नहीं रहता है। हालांकि सब क्लासिक नहीं है, कुछ क्लासिक है और कुछ क्लासिक के साथ ट्विस्ट है। तो चलिए देखते हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल 5 कॉकटेल्स जो आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो इन 5 वैलेंटाइंस डे कॉकटेल का जो लिस्ट है उसमें सबसे लास्ट यानी 5वें नंबर पर है कीर या कीर रॉयाले। कीर और कीर रॉयाले दो अलग अलग कॉकटेल है और दोनों ही बनता है वाइन और शैम्पेन से। एक्चुअली जो प्रोफाइल इस कॉकटेल में मिलता है वह है क्रेम द कैसिश यानी ब्लैक करंट। ब्लैक करंट के साथ व्हाइट वाइन को कंबाइन करके ये कॉकटेल को बनाया जाता है। ये कॉकटेल थोड़ा सा पिंकिश कलर का आता है और इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपका गर्लफ्रेंड को ब्लैक करंट फ्लेवर पसंद है तो आप आराम से ये कॉकटेल ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपका चॉइस वाइन है, स्पेशली व्हाइट वाइन, तो ये कॉकटेल सबसे बेस्ट हो सकता है। साथ साथ मैं बोलूँगा कीर रॉयाले, ये भी एक कॉकटेल है, सेम मेथड, इसमें भी ब्लैक करंट को यूज़ किया जाता है यानी क्रेम द कैसिस को यूज़ किया जाता है और उसके बाद टॉप अप किया जाता है शैम्पेन से या स्पार्कलिंग वाइन से। जो जहाँ पर मिलता है वो ऐसे बनाता है, मोस्टली शैम्पेन से बनाया जाता है। यह है क्लासिक रेसिपी। तो कीर रॉयाले या कीर, जो भी आपको पसंद है आप ऑर्डर कर सकते हैं। 4 नंबर पर है द पिंक लेडी कॉकटेल। नाम कितना कमाल है, तो रेसिपी कैसा कमाल होगा। बहुत ही परफेक्ट है आपका गर्लफ्रेंड के लिए, अगर आपका गर्लफ्रेंड को पसंद है कोई जिन फ्लेवर कॉकटेल, और ये कॉकटेल बनता है जिन से। जिन में काफ़ी सारा एरोमा रहता है, वो जो एरोमाज है वो बहुत ही अच्छा कंबाइंड होता है जब उसके साथ ग्रेनेडिन को, लाइम जूस को और ट्रिपल सिक यानी कॉन्थ्रू को कंबाइन किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन और बैलेंस्ड कॉकटेल है, थोड़ा सा मीठा किस्म का कॉकटेल है। अगर आपका गर्लफ्रेंड मीठा किस्म का कॉकटेल पसंद करता है तो आराम से आग बंद करके आप पिंक लेडी ऑर्डर कर सकते हैं। पिंक लेडी एक क्लासिक कॉकटेल है और ये सब बारटेंडर बनाना जानते हैं, नाम ही काफ़ी है, खाली बोल दीजिएगा बारटेंडर को समझ में आ जाएगा। इस कॉकटेल में 2 एडिशनल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि एप्पल ब्रांडी है और एग व्हाइट है। अगर आप नॉन वेज पसंद नहीं करते तो आप बोल सकते हैं कि मुझे एग व्हाइट मत दीजिए। और एप्पल ब्रांडी यानी थोड़ा सा जो अल्कोहल परसेंटेज है उसको हाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों ही ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप बोल सकते हो अपने बारटेंडर को कि उसमें ऐड किया जाए, अदरवाइज सिंपल कॉकटेल है, बहुत स्वीट कॉकटेल है, बेस्ट कॉकटेल है। और 3rd नंबर पे आता है स्ट्रॉबेरी मोहितो। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी मोहितो भी एक कमाल का कॉकटेल है। हालांकि ये कॉकटेल जो है ये क्लासिक कॉकटेल नहीं है, मोहितो जो है वो है क्लासिक कॉकटेल, मगर यहाँ पर क्या किया गया है, स्ट्रॉबेरी को यूज़ करके थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है इस कॉकटेल के साथ। सिंपल है, ये भी एक सच अ वंडरफुल एंड रिफ्रेशिंग कॉकटेल है। ये कॉकटेल किसी भी टाइम पे आप ऑर्डर कर सकते हो, दोपहर को, रात को, शाम को, इवन इन द विंटर, सच अ रिफ्रेशिंग कॉकटेल। बनता है बकाडी से, आप चाहो तो उसमें वोडका भी डलवा सकते हो, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ये कॉकटेल भी काफ़ी मीठा कॉकटेल है और आपका गर्लफ्रेंड अगर स्ट्रॉबेरी पसंद करता है तो वन ऑफ द बेस्ट सजेशन आई बिलीव। तो फिर ऑर्डर कीजिए आँख बंद करके। कैसे कंबाइन किया जाता है, सिंपल है, इस पर लॉट ऑफ क्रस्ट आइस के साथ
मिंट को दिया जाता है, लेमन को दिया जाता है एंड स्ट्रॉबेरी को दिया जाता है, जिसको मॉडल करके उसके बाद उसमें बकाडी और बाद में स्प्राइट या सोडा को टॉपअप किया जाता है। कमाल का कॉकटेल है, बहुत ही रिफ्रेशिंग, तो ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नंबर टू में कौन है। ला पलोमा कॉकटेल, या आप सिंपली उसको पलोमा कॉकटेल भी बोल सकते हो। ये भी एक क्लासिक कॉकटेल है और ये बनता है मेनली टकीला से। ये कॉकटेल भी थोड़ा सा स्वीट किस्म का कॉकटेल है। अगर आपका लवर स्वीट पसंद करता है तो बिल्कुल आप इस कॉकटेल के साथ जा सकते हैं। इस कॉकटेल का जो कलर है वो थोड़ा सा पिंकिश टिंट है, हालांकि कंप्लीटली पिंक कलर नहीं है, क्योंकि ये बनता है ग्रेपफ्रूट जूस से। ग्रेपफ्रूट एक मैं क्या बोलूंगा, थोड़ा सा टैनिन वाला जूस है जो आपको माउथ को थोड़ा सा स्टिकी कर देता है। मगर ये कमाल का एक कॉकटेल है, क्योंकि इसके साथ लाइम जूस को ऐड किया गया है, सॉल्ट को यूज़ किया गया है एज अ रिम, और साथ साथ इसमें सोडा और ग्रेपफ्रूट जूस को यूज़ किया गया है। सोडा यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि इसका जो बैलेंस है उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करने के लिए सोडा को यूज़ किया जाता है। ये एक ऑप्शनल इन्ग्रीडियंट्स है, अगर आपको चाहिए तो आप उसको सोडा को यूज़ करके थोड़ा सा कॉकटेल का वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और उसका जो हर्शनेस है उसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं, और किसी भी हद से ये ओवर पावरिंग बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, काफी देर से आप वेट कर रहे हैं कि नंबर वन पे कौन है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि नंबर वन पे है कॉस्मोपॉलिटन कॉकटेल। ये भी एक क्लासिक कॉकटेल है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एक कॉकटेल भी है। कॉस्मोपॉलिटन का जो कॉम्बिनेशन है ये एक एक, एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। ये धूम मचा चुका है ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। काफ़ी दोहराया है कि कौन इस कॉकटेल को बनाया है, इसलिए उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाऊंगा। मैं बल्कि आपको बताऊंगा कि क्या टेस्ट प्रोफाइल है और इस कॉकटेल को बनाने के लिए चाहिए वोडका, साथ में कॉर्नथ्रू या ट्रिपल सेक, थोड़ा सा लाइम जूस एंड क्रैनबेरी जूस। इसका जो कॉम्बिनेशन निकल के आया, पावा पावा, क्या कहना, सच में एक फैंटास्टिक कॉकटेल है। अगेन ये एक स्वीट कॉकटेल है, जिसको पसंद है स्वीट फ्लेवर वो जा सकता है। साथ में जो गार्निश देता है ऑरेंज पिल, उसको थोड़ा सा बर्न करके थोड़ा स्क्वीज करके ऊपर डाला तो उसमें ना लॉट ऑफ ऑरेंज का फ्रेग्रेंस आता है आप जब पास में लेते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट परफेक्टली बैलेंस कॉकटेल। तो ये फाइव कॉकटेल तो था, यही था वैलेंटाइन स्पेशल कॉकटेल, जो आप आंख बंद करके वैलेंटाइंस डे में या कभी भी किसी भी वक्त ऑर्डर कर सकते हैं। सच में एक प्रॉपरली बैलेंस्ड कॉकटेल है ये फाइव कॉकटेल्स, और स्पेशली गोज बेस्ट विथ लेडीज। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, ये जो फाइव कॉकटेल का नाम अपना आपको बताया, ये फाइव कॉकटेल धमाल मचा सकता है अगर सच में आप बार में जाके बिहाफ ऑफ योर गर्लफ्रेंड ऑर्डर कर सकते हो। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सच में अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोगों का जो ओरिजिनल चैनल है कॉकटेल्स इंडिया वो हैक्ड हो चुका है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा, और सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ टैग्स है उसमें अगर लिखिएगा तो बहुत मेहरबानी होगा। थैंक यू सो मच, टाटा एंड बाय बाय।